कर्ण पिशाचिन के नाम से भय से मन आक्रांत हो जाता है। समान सी टेंडेंसी है ये, क्योंकि ऐसा रूप दिखाते हैं उसका, ऐसा भयभीत करने वाला चेहरा दिखाते हैं उसका, और उसके काम, उसके कर्म लोग सोचते हैं कि ये तो बस अनर्थ करने के लिए ही है। मगर ऐसा नहीं है, सौम्य है मैं समझता हूँ ये, मगर वो डिपेंड करता है कि अगर किसी भी चीज़ का आप दोहन करेंगे, किसी भी चीज़ का मिसयूज़ करेंगे, किसी भी चीज़ को आप अनवांटेडली उसकी इच्छा के विरुद्ध या किसी के अनहित करने की भावना से अगर उसका दुरुपयोग करेंगे, तब कुछ भी इंजूरियस हो सकता है, कुछ भी डेंजरस हो सकता है, फिर कर्ण प्रशासनी ही क्यों। तो चलिए फिर इसी सरल सी शावर मंत्रों की श्रृंखला में इस बार सुनते हैं हमारे उत्तम नारायण पांडे जी कर्ण पिशाचिनी के लिए। ये तो बड़ा जग जाहिर है ये कि अगर कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो गई, तब काल ज्ञान के लिए भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, सारी की सारी भविष्यवाणियों को ये सटीक बताने के लिए, और सबसे बढ़िया चीज कि जो सामने बैठा व्यक्ति है ना, उसके मन में क्या है, वो तुरंत एकदम से, जैसे होता है ना, जैसे कंप्यूटर में कोई चीज आपने फीड करी और उसका इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिल गया, इस टाइप की चीजें। चलिए देखिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं कर्ण पिशाचिनी के लिए। और एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन में बेल, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें चाहे तो आप जाके पूरे एक क्लिक में बहुत सारे आप शावर मंत्र देख सकते हैं। पीछे वीडियो भी चलता रहता है, पीछे एक हमारा वीडियो भी चलता रहता है। बार बार कहता हूँ कि मेरे से ही मोस्टली रिलेटेड होते हैं ये। अगर डिटेल्स में जाना है तो गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस में जाके आप उन वीडियो के बारे में और भी डिटेल्स जान सकते हैं। देखिए सुनिए, समय न व्यर्थ हो आपका, क्या कह रहे हैं हमारे उत्तम नारायण पांडे जी आज की इस श्रृंखला में। श्री सीताराम, गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज काल ज्ञान के लिए एक अद्भुत प्रयोग लेकर उपस्थित हूँ। सामने वाले के मन में क्या है, उसके भूतकाल में क्या क्या घटना घटी, अभी उसका जीवन कैसा चल रहा है, इन सब प्रश्नों का उत्तर इस साधना से संभव हो जाता है। और यह प्रयोग अन्य प्रयोगों की अपेक्षा सरल एवं बहुत आसानी से हो जाने वाला है। तो विधान में आपको बता दे रहा हूँ, किसी भी शुभ दिन से भगवान शिव के किसी भी मंदिर में जाएं, भगवान शिव को प्रणाम करें और कंबल के आसन पर बैठकर जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उसकी 11 माला जप रुद्राक्ष की माला से करना है, और जप के पश्चात पुनः भगवान शिव को प्रणाम करके घर चले आएं। यही क्रम 41 दिनों तक चलेगा। जब आपका प्रयोग पूरा हो जाए, यानी कि प्रतिदिन जाएं, भगवान शिव को प्रणाम करें, मंत्र का 11 माला जप करें, पुनः भगवान शिव को प्रणाम करके घर चले आएं, ये क्रम जब 41 दिनों तक आपका सकुशल पूरा हो जाए, तो भगवान शिव को धन्यवाद दें कि आपकी कृपा से मुझे यह सिद्धि प्राप्त हो गई। फिर कभी जब आपको अपने सामने बैठे किसी व्यक्ति के भूतकाल एवं वर्तमान में जानना हो, तो मन ही मन मंत्र का जप करें। सामने वाले को यह पता नहीं चलना चाहिए कि आप कोई प्रयोग कर रहे हैं। मन ही मन मंत्र का जप करें और मन ही मन उस प्रश्न को दोहराएं जिस प्रश्न का उत्तर आप जानना चाहते हैं। आपके कान में प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर मिल जाएगा। इस साधना को कर्ण पिशाच साधना कहते हैं। यह पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कर्ण पिशाचिन जैसे खतरे वाली बातें नहीं है, लेकिन फिर भी किसी मार्गदर्शक के सान्निध्य में करें तो बहुत अच्छा हो। मंत्र इसका बहुत छोटा सा है, मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है ओम अरविंदे स्वाहा। मंत्र मैं फिर से बोलता हूँ, मंत्र है ओम अरविंदे स्वाहा। तो आशा करता हूँ कि इस साधना का आप सभी लाभ लेंगे, आपको इसकी सिद्धि हो, आप इसका लाभ लें, ऐसी मेरी शुभकामना। सीताराम।